संतोषी माता का व्रत, व्रत का महत्व व विधि। सृष्टि के सभी प्राणियों का कल्याण करने वाले शंकर भगवान के पुत्र श्री गणेश और माता रिद्धि सिद्धि की पुत्री संतोषी माता विश्व के सभी उपासक स्त्री पुरुषों का कल्याण करती हैं। अपना व्रत करने तथा सुनने वाले स्त्री पुरुषों के धन संपत्ति से भंडार भरकर संतोषी माता उन्हें पृथ्वी के सबसे बड़े सुख यानी संतोष धन से आनंदित करती हैं। व्यवसाय में दिन दुना और रात चौगुना लाभ होता है, शोक विपत्ति नष्ट होती है और मनुष्य चिंतामुक्त होकर जीवन यापन करता है। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने, गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागिन रहती हैं, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, जीवन में सभी मनोकामनाएं इस व्रत से पूरी होती हैं। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके मंदिर में जाकर संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय एक कलश में ताजा स्वच्छ जल भरकर रखें। उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चने भरकर रखें। घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की कथा सुने या स्वयं पढ़कर उपस्थित भक्त जनों को व्रत कथा सुनाएं। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते अथवा दूसरों को सुनाते समय गुड़ और भुने हुए चने हाथ में रखें। व्रत कथा समाप्त होने पर संतोषी माता की जय बोलकर उठें और हाथ में से लिए हुए गुड़ और चने गाय को खिलाएं। कलश पर रखे गए पात्र के गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुष और बच्चों को बांट दें। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़ककर घर को पवित्र करें। बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल दें। इस व्रत में कठाई का किसी भी रूप में प्रयोग ना करें। संतोषी माता के प्रसाद के लिए 1.25 रुपये के गुड़ और चने बहुत होते हैं। सच्चे हृदय से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की मनोकामना संतोषी माता बहुत जल्दी पूरा करती हैं। संतोषी माता की अनुकंपा से जब व्रत करने वाले स्त्री पुरुष की मनोकामना पूरी हो जाए तो उसे व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूरी, हलवा, खीर व चने का साग बनाएं। किसी भी वस्तु से खटाई का प्रयोग ना करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कलश में भरकर जल को घर में छिड़ककर घर पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़कों को भोजन कराएं। घर परिवार के लड़के ना मिले तो आसपास के घरों के लड़कों को भी भोजन करा सकते हैं। भोजन के बाद दक्षिणा में लड़कों को 1 रुपये पैसे न देकर कोई फल देना चाहिए, लेकिन फल खट्टा नहीं होना चाहिए। व्रत करने वाले स्त्री पुरुष को दिन में 1 बार ही भोजन करना चाहिए। इस तरह विधि विधान से संतोषी माता का व्रत करने से सबका मंगल होता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो कुवारी लड़कियां मनचाहा वर चाहती हैं, उनके मनचाहे वर से उनका विवाह संपन्न होता है। इसीलिए बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय।